गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा। स्वामी जी, सत्संग जी, आज एक बहुत बड़ी आप जी के लिए खबर लेकर आए हैं जी। सत्संग जी, यह बहुत अच्छी खबर भी है और बहुत बुरी खबर भी है जो कि हम आप जी के साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। इस खबर को सुनने के बाद आप जी को हो सकता है थोड़ा बहुत बुरा लगे, लेकिन इस खबर को सुनने में आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना है जी, और ना ही आपको किसी भी प्रकार का कोई दुख होना चाहिए। आपको हम जो यह बताने जा रहे हैं, यह डेरे से खबर आई है कि बाबा जी ने जो अपनी गद्दी है वहाँ अब छोड़ दी है, और आपने अब जो गुरु गद्दी है वह सरदार जसदीप सिंह जी महाराज जी को दे दी है, और आज के बाद आप डेरे की गद्दी और सत्संग वगैरह खुद सदगुरु दीप सिंह जी महाराज जी करेंगे, और बाबा जी ने यह गद्दी उनको अपनी खुशी से दी है, क्योंकि जब भी संत महापुरुष इस दुनिया में होते हैं तो वह अपनी गुरु गद्दी हमेशा जो कि अगले गुरु होते हैं उनको संगत की सेवा के लिए देकर जाते हैं, और जो संगत उनको प्यार से सेवा के लिए एक्सेप्ट करे वह बहुत संगत के मन में यहाँ भी सवाल आएगा कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। सत्संग जी, बाबा जी ने ऐसा क्यों किया, हम सभी यह सभी सोचेंगे। तो प्यारी सत्संग जी, यह बात बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है और बिल्कुल ही सोच समझने वाली बात है। यह है कि संत महात्मा जो होते हैं वो हमेशा ही अपनी संगत के लिए आते हैं और उनके लिए सब कुछ करते हैं, और संत महात्मा हमेशा ही जो है इस संसार में जन्म लेते हैं और हमारे लिए आते हैं, और इस दुनिया में एक असूल है कि जो संत आया है उसने भी जाना है, और जो सेवक आया है उसने भी शरीर को छोड़कर जाना है। तो इसलिए बाबा जी महाराज जी ने अपनी गद्दी सरदार जसदीप सिंह जी महाराज जी को सौंप दी है, और वह अब बाबा जी महाराज जी के उत्तराधिकारी हैं, और आपके आगे हम यहाँ भी प्रार्थना विनती करना चाहते हैं कि जितनी भी संगत इस बात को और इस वीडियो को सुन रही है देख रही है, वहाँ बिल्कुल भी सच्चे पातशाह के इस काम पर कोई भी सवाल ना उठाए जी, क्योंकि सदगुरु का जो फैसला है वह सिर माथे होता है। सदगुरु के फैसले पर बिल्कुल भी हम लोग ने उंगली नहीं उठानी है जी, उनका हमें हुक्म मानना है, हुक्म हमारी उनकी खुशी है जी, और सबसे बड़ा हुक्म है भजन सुमरन। अगर भजन सुमरन के हम करेंगे तो हमारे भजन सुमरन से कुल मालिक बहुत खुश होंगे। भजन सुमरन ही हमारे को सदगुरु पर विश्वास करने की ताकत दे सकता है, क्योंकि बाबा जी महाराज जी अक्सर ही कहते हैं कि जो भजन सुमरन में ताकत है, जो हमारे पर विश्वास करने की ताकत है, हम बिना गुरु की ताकत के उसको हासिल कभी नहीं कर सकते। अगर हम बाबा जी महाराज जी के ऊपर यह सवाल करते हैं तो शायद ये हमारे में सोचने में यह कमी हो सकती है कि बाबा जी महाराज जी ने आखिरकार ऐसा क्यों किया, तो यह सवाल बिल्कुल नहीं करना है, और हमें बाबा जी महाराज जी की खुशी के लिए सिर माथे उनको अब एक्सेप्ट करना है। अब हमने भी जितने प्यार से बाबा जी महाराज जी के सत्संग सुनने थे उतने ही प्यार से हमने अब बाबा जी महाराज जी जो कि जसदीप सिंह जी महाराज हैं अपनी सत्संग करने हैं। बाबा जी के दया मेहर से यह जो नोटिफिकेशन यह ऑफिशियल भी आ चुका है, अब विचार हमें यह करना है कि अब हमारी ड्यूटी हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है। सत्संग जी, संत महात्मा के
हुक्म के अनुसार हमारी जिम्मेवारी या यूँ कह लो कि हमारी ड्यूटी एक ही बनती है और जो सबसे ज़रूरी है कि हमने अपने नाम की कमाई और शब्द की कमाई को जो समय देते हैं उसको और बढ़ा देना है। शब्द की कमाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि जो संत महात्मा या उनके दरमियान जो प्यारे आते हैं वो एक ही चीज़ का होका देते हैं, वो है नाम की कमाई। नाम की कमाई का होका देते हैं वह शब्द की कमाई का देते हैं। इसलिए सारी संगत जी के चरणों में हाथ जोड़कर बार बार यही विनती की जाती है कि कोई भी नेगेटिव ख्याल अपने मन में ना आए और ना ही अपने को कुछ और सोचना है। और कुल मालिक का हुक्म मान के बाबा जी का हम सच्चे पातशाह सदगुरु जगदीप सिंह जी महाराज जी को भी इसी प्रकार प्यार करें। और बाबा जी ने यहाँ भी बयान किया है उस नोटिफिकेशन में कि अब जो नामदान हैं वह मौजूदा सरकार जो बाबा जी हैं उनके बाद जो सरकार आई है वह अब नामदान संगत को वही दिया करेंगी। और बाबा जी ने आखिर में यहाँ भी एक बहुत ही ज़रूरी सूचना संगत से कह दी। उन्होंने संगत से प्रेम और प्यार से अपील की है और कि जैसे मेरे को हुजूर महाराज जी के बाद प्यार किया था वैसे ही मौजूदा जो बाबा जी हमारे दरमियान आ रहे हैं, सच्चे पातशाह हमारे दरमियान आ रहे हैं, उनको भी हमने वैसे ही प्यार करना है और उनका हुक्म मानना है। तो साधु संगत जी, अब हमारी जो जिम्मेवारी है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है और बहुत ध्यान देना है। और अब शब्द की तरफ तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और आपके आगे हम बारंबार यही विनती करते हैं कि आने वाले समय में बाबा जी के सत्संग के साथ सवाल जवाब भी है और सत्संग भी है। यहाँ प्रोग्राम सारा का सारा होने वाला है। जो भी संगत डेरा आना चाहती है वह बड़ी खुशी खुशी से आ सकती है जी, क्योंकि इस बार बाबा जी महाराज जी सत्संग फरमाते हैं कि बड़े बाबा जी जो हमारे दरमियान आए हैं वहाँ सत्संग फरमाते हैं। यहाँ तो अब उन कुल मालिक की मौज है और आपके आगे ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करें, यही विनती हम बार बार शब्द की कमाई करें दोहराते रहे हैं। क्योंकि जब बड़े महाराज जी ने बाबा सावन सिंह जी महाराज जी को गुरु गद्दी दी थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने गद्दी नहीं लेनी, तो उन्होंने यह बात को मना भी किया था। तो आपने कहा था कि यहाँ स्वामी जी महाराज जी का हुक्म है। इसी प्रकार बाबा जी ने भी कहा है कि यहाँ हजूर महाराज जी का हुक्म है। तो वाणी में एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, हुक्म मनी पाइए। तो बाबा जी ने जो हुक्म दिया है वो हमने मानना है। साध संगत जी, जितना ज़्यादा हम भजन सिमरन में समय देंगे, जितना हम नाम की कमाई करेंगे, उतना ही अधिक हम हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी की खुशियाँ हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की खुशी हासिल करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है और उनके हुक्म में रह करके सारा कुछ करना, उनके ऊपर बिल्कुल भी सवाल कभी नहीं उठाना। साध संगत जी, हमें कुल मालिक के हुक्म में रहना है, उनकी खुशी में खुश रहना है। साध संगत जी, उनके ऊपर बिल्कुल सवाल हमें नहीं करने। पूर्ण सेवक की निशानी होती है, एक अच्छे सेवादार की निशानी होती है कि जो अपने सदगुरु के हुक्म को मानते हैं और भक्ति में यानी कि नाम की कमाई में लगे रहते हैं। बड़े महाराज जी ने भी जब मौजूदा सरकार के वक्त गद्दी लिखी थी तब बाबा जी फौरन में गए हुए थे, फौरन में काम करते थे और छुट्टियों के दिन कुदरती यहाँ यानी कि स्वयं डेरे में आए हुए थे। तो
जब सच्चे पातशाह आए थे तो उन्होंने बुलाया कि आपको महाराज जी ने बुलाया है। तो आप एकदम से बेहोशी में थोड़ा सा आश्वस्त हो गए थे और यह कहते थे, गुरिंदर सिंह ढिल्लो कौन है? कौन है गुरिंदर सिंह ढिल्लो जो महाराज जी के इतने पास है? अब हमारे को तो सच्चे पातशाह ने जो अपने हुक्म के अनुसार नोटिफिकेशन दिया है, अब हमने वही मानना है, उनके हुक्म को हमेशा सर आंखों पे रखना है संगत जी। और हमने अपने नाम की कमाई, अपने शब्द की कमाई को हमेशा हमेशा करते रहना है। जो कुल मालिक ने 5 नाम हमें दिए हैं, अब वो हमने दिन रात अधिक से अधिक सुमरन करना है, ताकि हमारा भी अंदर से जल्दी पर्दा खुल सके और हम भी बाबा जी महाराज जी के अंदर से दर्शन कर सके। सत्संग जी, इस क्या बताएं अब अंत में आपको, राधा स्वामी जी यह बताते हुए हमें बड़ा, सत्संग जी बाबा जी महाराज जी, अब जो अगला डेरा ब्यास में सत्संग प्रोग्राम है, हो सकता है कुल मालिक की दया मेहर है, उनकी मौज है कि वही सत्संग फरमाएं। तो संगत जी, आप अगर डेरा ब्यास सत्संग सुनने जाना चाहते हैं तो खुशी खुशी जा सकते हैं, और हमें बाबा जी महाराज जी के किसी भी फैसले पर उंगली नहीं उठानी, सवाल नहीं उठानी। सत्संग जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। शुक्रिया, टेक केयर, राधा स्वामी जी, धन्यवाद।